કુશાંત ના વલસાડ જિલ્લાના વાપી ખાતે રહેતા અને હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં અભ્યાસ કરતા શશાંક જૈને દુબઈમાં આવ્યો છે. 2024 વર્લ્ડ મેન્ટલ સ્પોર્ટ્સ ઓલિમ્પિક્સમાં મેન્ટલ મલ્ટિપ્લિકેશન અને મેન્ટલ સ્ક્વેર રૂટમાં ગોલ્ડ મેડલ અને મેન્ટલ ડિવિઝનમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી વાપી સહિત ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. આ 22 વર્ષીય યુવા ગણિત શાસ્ત્રી શશાંક જૈને 6 અંકની સંખ્યાઓના વર્ગમૂળની ગણતરીમાં એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ સિદ્ધિ મેળવનાર શશાંકે 7 નવેમ્બર 2024 રોજ યુએઈના શારજહામાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં માત્ર 27.36 સેકન્ડમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે અને તેનો પોતાનો જ અગાઉનો 61.34 સેકન્ડનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. શશાંકે 8 અંકની સંખ્યાઓના વર્ગમૂળની ગણતરીમાં 85.69 સેકન્ડનો બીજો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ સાથે 2024માં દુબઈમાં આયોજિત વર્લ્ડ મેન્ટલ સ્પોર્ટ્સ ઓલિમ્પિકમાં મેન્ટલ મલ્ટિપ્લિકેશન અને મેન્ટલ સ્ક્વેર રૂટમાં ગોલ્ડ મેડલ અને મેન્ટલ ડિવિઝનમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી For solving 6 digit square root के 10 आंकड़े एंड उनका टाइमिंग था 27.36 सेकेंड जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बना है. हाल ही में मैं हाल ही में स्टूडेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में एंड वहाँ पर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स से. ये मैं खुद से पता करके गया था ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टली शारजा क्योंकि ये इवेंट 8 साल बाद हुआ. 2020 में कोविड के कारण ओलंपिक कैंसिल हो गए थे, इसीलिए 2024 में इस बार मेरा मन था कि देश का नाम रोशन करना है. मैं ये पिछले 14 साल से कर रहा हूँ. 2014 में मैं जर्मनी गया था, 2016 में इस्तांबुल गई थी, लास्ट ईयर के सीए से 2018 में दुबई और इस बार 2024 में शार्क भी. पहली बार छोड़ के हर बार मिली और जब 2016 में गए थे वहाँ पे 6 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, 5 गोल्ड 1 सिल्वर आया था और 1 विश्व रिकॉर्ड तब बनाया था. फिर अगले ही महीने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लास्ट वेगस ओलंपिक्स में जीता था और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ बनाया था. 8 साल इंतज़ार किया और इस बार फिर से शारजा जाके 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड. पेरेंट्स ही थे जिनके वजह से जो एक लाता मोटिवेशन था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, जो मेरे मम्मी पापा थे उनका सपोर्ट था. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अकेले रह के जाना डायरेक्टली बिना माँ बाप के और पार्टिसिपेट करना बहुत चैलेंजिंग था, बट वो जो मेंटल सपोर्ट मिला मुझे मेरे माँ बाप से वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. ये मैंने यही वापस में सीखा था. हाल ही में क्योंकि इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया था तो मैं अपने खुद के अकेले दम पर गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने. रिपोर्ट करने की इंडिया के पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे अराउंड 50 और पूरे विश्व के थे 150 से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट, 40 से भी ज़्यादा देशों के, मेक्सिको से लेकर क्यूबा ऑस्ट्रेलिया तक हर देश के पार्टिसिपेंट थे वहाँ पर. मैंने देश बहुत महसूस हो रही है आगे. अब 2028 सिंगापुर ओलंपिक्स की तैयारी के लिए जिसका आयोजन हो चुका है तैयारी शुरू करते हैं. मेरा नाम संगीता सुंदर जैन है, मेरी 2 बेटी है और 1 बेटा है शशांक. जब ये छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि उसको मैच की फील्ड में आगे भेजना चाहिए, तो मेंटली बहुत अच्छा था ये. तो इसको हम लोग डेली छोड़ने जाते थे और वापस लेके आते थे, हमने इसके लिए बहुत सारा टाइम उसके साथ निकाला. और इसके बाद इसने काफ़ी प्रोग्रेस करी, तो जर्मनी भी गया, टर्की गया, तो वहाँ से भी अच्छा जीत के आया था, 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीत गया. सब बहुत खुशी मिली थी उनको बहुत ज़्यादा. उसके बाद ये दुबई भी गया था, लास वेगस भी गया था और ओलंपिक्स में गया था, उसमें भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था. तो अभी लास्ट में तो उसने हमको सरप्राइज कर दिया था, तो उसने बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ और ओलंपिक्स के लिए, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी. और हम लोग वेट कर रहे थे कि वहाँ क्या होगा क्या होगा. और हम लोगों ने वो सब लाइव प्रोग्राम देखा था टीवी पर, लिंक भेजा था, तो वहाँ से 3 सब्जेक्ट में बैठा था ये
दोनों दो में गोल्ड मेडल और एक में ब्रॉन्ज जीत के आया था, और हमको इतनी ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद हम कुछ बोल नहीं सकते। और उसके बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मिडनाइट को, तो हम लोग पूरी रात उसके लिए वेट करते रहे, सकते रहे, और आज उसने हमारा नाम रोशन किया, इंडिया का नाम रोशन किया, पूरे समाज वापी का नाम रोशन किया, उसके दादा जी मम्मी पापा का सिस्टर का सबका नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रही।